हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आपको हमारे चैनल एडिटिंग जोन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ इस टाइप का फेस स्मूथिंग करके दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग को लाइटरूम ऐप के अंदर चले आना है। ऐप के अंदर आने के बाद हम लोग को सबसे पहले ऑटो वाला में क्लिक करना है। ऑटो वाला में क्लिक करने के बाद लाइट्स वाला में चले जाना है। हाईलाइट्स को पूरा माइनस कर देना है, शैडो को पूरा फुल बढ़ा देना है, उसके बाद व्हाइट्स को भी पूरा फुल माइनस में रख देना है। उसके बाद हम लोग को कलर्स वाला टूल में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद विब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है और ऊपर में जब मिक्स है, मिक्स वाला टूल को क्लिक करके ये जो सेकंड वाला टूल है इसको सेचुरेशन को माइनस और लुमिनस को प्लस में रख देना है। उसके बाद में ये वाला टूल लेके ह्यू को 62 और सेचुरेशन को 70, लुमिनस को 70 रख देना है और ग्रीन वाला में लेके सेचुरेशन माइनस और लुमिनस फुल रख देना है। उसके बाद लुमिनस को बढ़ा, सैचुरेशन को बढ़ा देना है और ह्यू को थोड़ा सा माइनस में रख देना है। उसके बाद यहाँ पे ह्यू को 52 में रख देना है। उसके बाद वाला टूल में सैचुरेशन को माइनस और लुमिनस को फुल पे रख देना है। उसके बाद वाला में थोड़ा सा इसको बढ़ाना है और ह्यू को माइनस करके लुमिनस को 48 रख देना है। उसके बाद वाला टूल में जाकर क्लियरिटी को थोड़ा सा इनक्रीज कर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फोटो में क्वालिटी आए। उसके बाद वाले टूल में जाके डिटेल वाला में नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाना है, डिटेल को फुल में रख देना है। उसके बाद वो शार्पनिंग में थोड़ा सा देना है और डिटेल को फुल। उसके बाद ऑप्टिक्स में जाके दोनों को ऑन कर देना है। आप फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद फोटो को ऑटोडेस्क ऐप के अंदर शेयर कर लेना है। ऑटोडेस्क ऐप के अंदर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को ब्रश वाला में क्लिक करना है और ये वाला ब्रश नहीं लेना है, अब दूसरा ब्रश लेना है। ये ट्रेडिशनल है, इसमें वाला ये वाला ब्रश लेके साइज को अपने हिसाब से रख लेना है और स्मूथिंग धीरे धीरे करते जाना है। तो देख सकते हैं हम लोग का हो रहा है। तो इसे आप लोग को धीरे धीरे करते जाना है, ज़्यादा स्पीड नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे जगह लेके करना है। आप लोग को जितना बड़ा जगह करना है उतने साइज को रखिएगा और करते रहिएगा, होता जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आने वाला है दोस्तों। तो और एक बार मैं बोलना चाहूँगा, जिस भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग कितना अच्छा से स्मूथिंग हो रहा है। आप लोग को भी ऐसे ही धीरे धीरे करते जाना है। तो देखिए हम लोग का थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। अब इतना होने के बाद दोस्तों, हम लोग को फोटो को थोड़ा सा गोरा करना है। चाहे जहाँ पर काला काला दिख रहा है वहाँ को थोड़ा गोरा करना है। इसके लिए हम लोग को टूल्स वाला में क्लिक करना है और नीचे तरफ जाके ये वाला टूल को ले लेना है।
और ये ब्रश को लेके हम लोग को सेटिंग ठीक ठाक रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर लेके नॉर्मल में जाके सॉफ्ट लाइट कर देना है। उसके बाद कलर्स में जाके ये वाला चौथा नंबर लेके YR00 है, इसको लेना है और यहाँ पे ब्रश करना है। देखिए हम लोग ब्रश कर रहे हैं। तो हम लोग को ब्रश हो रहा है, आप लोग भी धीरे धीरे कीजिएगा। हम वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिए हैं। इसके बाद लेयर वाला में क्लिक करना है। लेयर वाला में क्लिक करने के बाद इसके अंदर चला जाना है और एजेस से लाइट एडजस्टमेंट में चला जाना है। यह सैचुरेशन को माइनस में रख देना है, जितना गोरा चाहिए उतना रख सकते हैं। और यहाँ से लाइटनेस को बढ़ा देना है। सैचुरेशन को थोड़ा सा ही माइनस करेंगे और ह्यू को थोड़ा सा माइनस में रख देंगे 19, और फोटो को यहाँ से डन कर देंगे। आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो कितना अच्छा है, स्मूथिंग हो चुका है, पहले से कितना बेहतर। आप फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे।